मैं तो कहता हूँ डॉक्टर कम और मोहल्ले में कमेटियां डालने वाली माई ज्यादा लगता है। जब आप आम खाते हो उसका रस है, उसका जूस है, कपड़ों पे गिरता तो येलो कलर नहीं आता। अब आम हंसती भी जा रही है, देख रही है कि पसीना आया हुआ, पानी फेंका हुआ। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ फुद्दू लोग, अब उनको कोई डॉक्टर है कोई क्या, डॉक्टर का नाम बदनाम नहीं करेंगे, पंजाब में इस वक्त गर्मी ऑलमोस्ट 50 डिग्री को टच कर रही है और इतनी शदीद गर्मी में तरबूज ऐसी एक आइटम है कि जो इस ये आवाम बड़े शौक से खाती है। तरबूज का जूस भी बनता है, तरबूज को ठंडा करके फ्रिज में खाते हैं। जितनी भी गर्मी से आप आए हो ना, तरबूज खाते हो गर्मी साइड पे हो जाती है, एक साइड पे जैसे आप एसी लग गए अंदर। लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ फुद्दू लोग, कुछ कम इल्म लोग, मफाद परस लोग, उनको हम लोग कहते हैं फुद्दू लोग, उन लोगों ने मशहूर किया है कि आवाम हंसती भी जा रही है, देख रही है कि पसीना आया हुआ, पानी फेंका हुआ। अच्छा, उन्होंने मशहूर किया कि तरबूज को इंजेक्शन लगा के लाल किया जाता है। उनकी अकल पे तूफ है और मेरे ख्याल उनको कोई अपने जहनी इलाज की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल सनी राजपूत। चलिए आगे आपको दिखाते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि इन तरबूजों को लाल रंग के टीके लगा के इनका रंग लाल किया जाता है, इनको मीठा किया जाता है, उनकी मैं तो हैरान हूँ उनकी अकल पे कि अल्लाह ताला ने ये हज़ारों साल से फ्रूट्स बनाए हुए हैं, दुनिया हज़ारों साल से ये खा रही है, आज इस बंदे ने आगे बताना था। अब ये कौन है पता नहीं, मैं नहीं जानता, पता नहीं इरफान है फरहान है कोई इस तरह का नाम है उसका, मतलब आज इसने बताना था कि तरबूज का रंग जो है ना सुरेंज लगा के लाल किया जाता है। तरबूज के फ़ौरन बाद आके आम का सीज़न आ रहा है, आम येलो कलर का होता है, जब आप आम खाते हो उसका रस है, उसका जूस है, कपड़ों पर गिरता तो येलो कलर नहीं आता। अब ये बंदा कल को उठ के कह देगा जी आम को पीले रंग का टीका लगाया हुआ, इससे उसका रंग पीला हो गया। चेरी लाल होती है, कहेगा चेरी को रंग लगाया हुआ। गाजर का जूस पीते हैं गर्मियों में, अभी बंदा कल कहेगा यार गाजर को भी रंग में डुबो के रखा है तो बाद में लाल हो गई है। और अकल के अंधे, जिस कलर का फ्रूट होगा उसका उसका रस उसका गूदा भी तो उसी रंग का होगा, क्या कह सकते हैं इसके अलावा। अब ये देखें गंदम का इस साल जो हाल हुआ है, किसान जितना परेशान हुआ है, उसके फ़ौरन बाद अभी किसान सांस ही ले रहा था तो नया शोशा आ गया कि जी तरबूज को रंग लगा के टीका लगा के लाल किया जाता है। ये भाई मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे जिनका ये तरबूज का ये ठेला है, इनसे पूछते हैं कि क्या ये वाकई सच है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जान, बड़ा जरा खड़े हो जाए आप। बड़ा आजकल ना सोशल मीडिया पे कोई डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के कह दिया कि जी तरबूज का रंग जो है ना वो सुरिंज लगा के लाल किया जाता है, वाकई क्या सच है ये? भाई सुरिंज के साथ तरबूज लाल होता ही नहीं है। अच्छा, जहरी बात है कि तरबूज को आज का नहीं चला हुआ, काफ़ी अरसा हो गया, आज तक तो किसी ने कहा नहीं है भी टीके के साथ लाल हो रहा है। लेकिन जी अगर टीके के साथ लाल होता तो जो पीछे कच्चे पड़े हुए हैं ये हम लाल करके बेचना देते, हम अपना नुकसान क्यों करते? ऐसे ही है ये, तो सिर्फ हमें सरासर बगैरती कर रहे हैं, लोग ज़्यादा फैला रहे हैं। अब ये देखो जी तरबूज ना खाओ, इससे पेट खराब हो जाएगा, टीके के साथ लाल हो रहा है, इसके छिलके में भी पानी नहीं जाएगा। अगर तरबूज तो लाल की दूर की बात है ना, इसके छिलके में भी नहीं पानी जाएगा। और जो जाहिर कर दे इसके अंदर पानी डाल के लाल करके जाहिर कर दे, जो वो कहेगा मैं उसको नाम दूंगा। इतनी सी एक लॉजिकल बात है, एक हमारे ये मेहनती भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इतनी इनकी आपके जितनी तालीम भी नहीं होगी, इस बंदे को ये लॉजिक्स पता है कि इसमें इंजेक्ट नहीं किया जा सकता रंग। आप पढ़े लिखे लोग ये बात कैसे कर सकते हैं? ये एक टाकी लगी हुई है, दिखाएं ज़रा ये क्या रंग किस तरह का है इसका। अच्छा जी ये तो लाल तरबूज है, अब इसको क्या करेंगे? ये देखें जी ये लाल है, इसका रस भी तो लाल ही निकलेगा, ये देखें। अब एक एक फ्रूट ही लाल है, क्या ख्याल है कि ये उन्होंने फरमाया है कि जी इसको टिश्यू लगाएंगे रंग लाल, अगर टिश्यू पे लग गया तो मतलब दो नंबर है। तो ये लाल तरबूज है, क्या इसमें से काला पानी निकले? नहीं, अगर लाल है तो लाल ही निकलेगा, लाल ही निकले। देखो ना एक चीज है, फुद्दू को कौन समझाए इसको, इसको कौन समझाए? अगर मैंगो है, मैंगो का कलर क्या ब्लैक हो जाएगा? खुद मैंगो है, जो मैंगो का कलर है वो मैंगो ही निकलेगा ना। अगर जो फाल्स है, फाल्स का कलर ब्लैक होगा, जामुन है उसका कलर हो रहा है, जैसी चीज है वैसा ही कलर होगा ना। और एक चीज ही लाल है, ब्लैक थोड़ी हो जानी है, बस ये ये सिर्फ लोगों को ड्रामे करके दिखा रहे हैं। अच्छा मुझे एक चीज ये नजर आ रही है यहाँ पे, ये बड़ा एक माल साइड पे भी आपने लगाया है भाई, ये क्या है? ये सब कच्चा पड़ा हुआ, कच्चा पड़ा हुआ जी, कच्चा। तो इसको टीके लगा के लाल करें बेचें? जो हमें बताया ना भी कैसे टीका लगता है, हम भी इसको लाल करके बेचें, हम अपना नुकसान क्यों करें? मिस्टर फुद्दू इनको बताए आके, ये दिखाएं जरा, कोई एक दाना उठाए इसको, कच्चा कच्चा है ये फुल कच्चा। ये अगर टीके से लाल होता हम इसको पहले बेच देते, ये सिर्फ आम को फुद्दू बनाया हुआ। ये देखो ये तो वाकई कच्चा सफेद है बिल्कुल। हाँ जी,
अब वो जिस तरह वो भाई कह रहा है, मैंगो भाई कह रहे हैं कि इसको टीके लगा के लाल करते, तो आप इसको लगाएं लाल और करें बेचें? हम उसको एक मशवरा देते हैं, हम उसको नाम भी देंगे, वो अच्छा। हमें आगे सिर्फ बता दें भी ऐसे लाल होते हैं। सिर्फ क्या इन लोगों ने बुद्धू बना दिया हमें, क्यों गरीब लोगों का हक मारा जाए, ये कैसे लाल होता है ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा, इसके अंदर पानी जाएगा ही नहीं, ये लाल कैसे होगा? यार अब ये देखो कि वो बंदा उसने अपने कुछ व्यूज़ लेने की खातिर इतना को बड़ा और बोगस शोशा छोड़ दिया अवाम में, कि जो मैं कहता हूँ कि जो आपके कारोबार पे तो इफेक्ट कर ही रहा है, मेरे ख्याल से ये कुदरत के निज़ाम को भी उस बंदे ने जो है ना चैलेंज कर दिया है। अल्लाह ने जिस रंग का फल बनाया, अल्लाह की कुदरत है कि उसमें रंग भी उसी कलर का होता है, उसी कलर का ही होगा, लेकिन इस बंदे ने तो लगता है कुदरत के निज़ाम से पंगा ले लिया। ये बात करके इसने पंगा तब लिया मेरे हिसाब से, तो ये इसका जहन ये होगा कि लोग फल खाना ही छोड़ जाएँ। बात तो ये है ना, लोग फल खाना ही छोड़ जाएँ क्योंकि फलों में बीमारियाँ आ गई हैं, लोग तो फल खाएँ ही ना, लोग सब भूखे मर जाएँ और बेचने वाले भी भूखे मर जाएँ, इसका काम चल जाए। इन लोगों ने फुद्दू बना दिया लोगों को। अवाम फल भी खाएगी इंशाल्लाह और हम जैसे मीडिया इन्फ्लुएंसर इसका सर भी खाएंगे ऐसे बेवकूफ़ इंसान का। ताकि मेरा ये, मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे बंदे की सिर्फ मीडिया पे क्रिटिसिज्म ना किया जाए उसको, मेरे हिसाब से उसको तो कोई इदारा बुला के ना कोई लिटरेशन करे उसकी, और लिटरेशन करने के बाद उसको अपने प्लेटफॉर्म पर आओ और आके पूरी अवाम से माफ़ी मांगो आके कि तुमने ये बकवास इतनी फजूल क्यों कर दिया। कल को तुम उठ के कहोगे आम में पीले रंग का टीका लगाया हुआ है, कल को तुम गाजर में रंग घुसाया हुआ है, तो क्या दुनिया सारी साइड पर जाएगी? तू कला डॉक्टर रह गए हैं बस, बाकी तो चाह ही रहे हैं अवाम नाल की करना चाह रहे हैं। ये हमारी अच्छा अवाम को कोई पैगाम दें कि कोई ऐसा फुद्दू उठ के एक बात शोशा छोड़ दे, अवाम पीछे लग जाए। मुझे एक भाई मिला वहाँ पे तरबूज वाला ही था कल, वो कहता है अवाम आती है, वो अवाम काटती है तरबूज, काट के लाल को भी टिशू रगड़ती है, ऊपर टिशू पर रंग चढ़ती, तो कहते ओहो ये तो डॉक्टर साहब ने कहा था रंग चढ़ गया, तो दो नंबर है भाई। वो देखो ना, कुछ लोग हैं जो जहनी तोन ना जहन ही ठीक है, हमारी अवाम ही नहीं ठीक, वाम ही गलत है हमारी, तो हम क्या कर सकते हैं? जो वो वाम करती क्या है, वो टिशू लैके आते हैं और रंग लाया जाता है, जो कहते हैं जो रंग लगा हुआ है, जी एक चीज़ लाल है वो लाल ही होगी, काली तो नहीं होगी। बात तो ये है, आवाम से ख़ास रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अपना मजाक ना बनवाए। मेरे ख्याल से जो इस तरह के जाहिल लोग, मैं तो कहता हूँ वो डॉक्टर कम और महल्ले में कमेटियाँ डालने वाली माई ज़्यादा लगता है, जो ये बातें बैठ के शोशे छोड़ रहा है। और अब वो इंजॉय कर रहा होगा कि यार देखो आवाम कितनी पागल है कि मैंने एक अपने कमरे में बैठ के एक गंदा सा शोशा छोड़ा है, आवाम सारी पीछे लग गए, हाँ जी तरबूज दो नंबर है, कैंसर फैल रहा है इससे, हैज़ा फैल रहा है, पेट की बीमारी फैल रही है। तो काइंडली आवाम को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, आवाम को भी इस चीज़ की फिक्र रखनी चाहिए कि कोई बात बंदा ऐसे हवा में छोड़ दे तो वहाँ पीछे ना लग जाए। अगर ये वीडियो देख के आपको थोड़ी सी भी समझ आई है कि ऐसे भुद्दू लोगों के पीछे नहीं लगना, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Could be us.